राजस्थान को पर्यटन के लिए पहचाना जाता है और यहाँ के महल हवेलियां आदि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। लेकिन उनके संरक्षण और विकास के लिए सरकार को प्रशासन की कतई गंभीर नहीं है। इसी की नजीर है बीकानेर के संस्थापक बीकाजी का ट्रेकरी और साल 1968 में संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल यह 16वीं शताब्दी का स्मारक आज उपेक्षा और विभागीय उदासीनता के चलते जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। रियासतकालीन बने स्मारक और इमारतें उसे समय की कला और संस्कृति को जाने का मौका देती हैं। वर्तमान में ऐसी कई स्मारक हैं जो संरक्षित सूची में शामिल होने के बाद भी उपेक्षा का शिकार होना अपना वैभव खोप रहे हैं और इसी के चलते उदाहरण ये भी है कि बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी की ट्रेकरी कुछ संरक्षित सूची में शामिल होने के बाद भी बदहाली के आंसू रो रहा है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि करीब 20 साल पहले थोड़ा बहुत रोगन किया गया था, उसके साथ बाद भी कुछ नहीं हुआ। बीकाजी के ठेकरी कहने का तो संरक्षित सूची में है लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सूची में आने के 52 साल बाद भी ना तो यहाँ पानी की सुविधा है और ना ही बिजली की, यहाँ तक कि दीवारें भी गिर गई हैं। लेकिन उनके मरम्मत कराने की कोई जहमत नहीं उठा रहा है और ऐसे में कैसे आने वाली पीढ़ी इनके बारे में जानेगी।